तो दो खबरें आ रही हैं। पहली यह कि आज कैबिनेट की बैठक नहीं होगी, औपचारिक पहचान के तौर पर तमाम मंत्रियों को एक साथ बैठने का न्योता है और उसमें योगी खुद मौजूद रहेंगे, यानी यूपी के सीएम। और दूसरी खबर यह आ रही है कि शाम 5 बजे, ये 4:30 बजे टी पार्टी है जो कैबिनेट की बैठक जिसका जिक्र शुरू में हो रहा था, तो वो मंत्रियों के साथ बैठेंगे जरूर, लेकिन वह कैबिनेट की बैठक नहीं है। और शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी टी पार्टी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें आदित्यनाथ तमाम पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे। और वो सवाल इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जिन बातों का जिक्र चुकी प्रधानमंत्री खुद कर रहे थे, बीजेपी अध्यक्ष खुद कर रहे थे, और ऐसे में अब आदित्यनाथ अब सीएम के तौर पर किस रूप में जवाब देंगे, इसका इंतजार है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री सीधे अब दिल्ली लौटने वाले, सिर्फ इसी प्रोग्राम के लिए गए थे वह लखनऊ, और प्रधानमंत्री अब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। लखनऊ से, लखनऊ एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं, वहाँ से वो सीधे रवाना होंगे और दिल्ली आने का उनका कार्यक्रम है। और ये बात थी कि पहुँचेंगे, शामिल होंगे और तुरंत वापस आ जाएंगे, यानी उसके अलावे कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि मंच पर जब मुलाकात मुलायम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के अखिलेश यादव से हुई, वह मुलाकात और वो तस्वीर शायद कल आपको दिखाई दे, और लगातार वो दिखाई दे क्योंकि उसके संकेत कई हैं। क्योंकि जिस वक्त शपथ ग्रहण हो रहा था, किसी दूसरी पार्टी का नेता मंच पर नजर नहीं आया, न मायावती। और इन सब के बीच मुख्यमंत्री का पहला ट्वीट है मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्यनाथ का, जिसमें वह किस रूप में युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने हेतु दृढ़ संकल्पित नजर आ रहेंगे, इस दिशा में उन्होंने ट्वीट किया है। और इसका मतलब बहुत साफ है कि इस बात का जिक्र जो लगातार हो रहा था कि उत्तर प्रदेश के सामने सबसे बड़ा संकट तो यही है जिसको हम लगातार दिखा रहे थे, तकरीबन 1.25 करोड़ बेरोजगारों की तादाद है, 80 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं उत्तर प्रदेश के भीतर में। और ये सवाल बार बार उठ रहा था कि अगर युवाओं के सामने कोई रास्ता नहीं बचेगा तो क्या युवा उस राजनीति का ही हिस्सा बन जाए जहां उसको कुछ लाभ मिल जाए और उसकी जिंदगी उस रूप में चलने लगे, ये एक सवाल था। लेकिन अब पहला ट्वीट चूंकि इसके जरिए किया गया है कि रोजगार दिलाएंगे, तो ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है। अभिषेक, क्या जानकारी है? सिर्फ ये औपचारिक पहचान के लिए मुलाकात है टी पार्टी, कैबिनेट नहीं है? बिल्कुल प्रसून जी, कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं है, हालांकि कल से कैबिनेट की चर्चा थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4:30 बजे पहुंच जाएंगे लोक भवन, जो कि नया मुख्यमंत्री सचिवालय बना है, और इसमें भी पंचम तल, जो कि पहले भी एलएक्सी में पंचम तल के नाम से जाना जाता था, इसका भी पंचम तल मुख्यमंत्री ऑफिस है, वहां पर जो इनके नए मंत्री हैं उसके साथ ये चाय पिएंगे, और तकरीबन 20 मिनट की चाय की ये बैठक होगी, और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीचे आ जाएंगे जहां पर कि एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज है पहले मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद। तो कुल मिलाकर आज का कार्यक्रम इतना ही है, प्रधानमंत्री को रवाना करने के बाद वो सीधा पहुंचेंगे मंत्रियों के साथ, एक छोटी सी बैठक है, अनौपचारिक बैठक कही जा रही है, जिसमें चाय और बिस्किट होंगे, और उसके बाद वहां पर उनका परिचय होगा, एक कई मंत्रियों से शायद बहुत कह सकते हैं गहरा परिचय नहीं रहा हो, ऐसे में उन लोगों से परिचय होगा और फिर सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे। अब देखना ही होगा प्रसून जी कि वो कहते क्या है, क्योंकि बड़ा ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। जितनी उल्लास, जितना उत्साह और जिस तरीके से सब कुछ हम लोग लखनऊ से लेकर गोरखपुर और पौड़ी तक देखते लगातार दिखा रहे हैं, एक सवाल, क्योंकि अखिलेश का दौर हो या उससे पहले मायावती का दौर हो, ये जो 5वीं मंजिल है जिसको पंचम तल आप कह रहे हैं, वहां से कोई घूम भी आता था तो नीचे आके महत्वपूर्ण हो जाता था, ये सिलसिला टूटेगा? लगता तो है इसे तोड़ने की एक कोशिश जरूर होगी, क्योंकि पंचम तल चूंकि मुख्यमंत्री का दफ्तर होता था और पंचम तल पर पहुंचने वाला जो भी शख्स है अपने को शक्तिशाली मानता था, चाहे वो जो भी पहुंच जाए, कार्यकर्ता के तौर पर पहुंच उसकी ही होती थी जिसकी चलती थी, और अधिकारियों के तौर पर पंचम तल पर जाने वाले लोग वही कहे जाते थे जिनकी धमक होती थी। ऐसी स्थिति में ये माना जरूर जा रहा है कि ये जो नया पंचम तल है इस लोक भवन का, इसमें कुछ नई चीजें होंगी, और देखना ये है कि ये जो बदलाव है वो कब से शुरू होता है, क्या आज कल से शुरू होगा या इसमें कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि जो बात कही जा रही है कैबिनेट की मीटिंग कम से कम में 2 से 3 दिन जरूर लग सकते हैं। चलिए, और कोई जानकारी हो तो बताइएगा। सबके बीच हमारे साथ स्टूडियो में चूंकि विजय शंकर तिवारी जी फिर से जुड़ गए हैं जो विश्व हिंदू परिषद के हैं, हम ये जानकारी खाली और दे दें जो बीच हमने उसमें दिया था। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने
जानकारी भेजी है, ट्वीट भी किया है और अपने फेसबुक पे भी लिखा है और हमें भी चूंकि भेजा है तो हमें लगता है उसको पहले एक पढ़ दिया जाए, उसके बाद रिएक्शन लेंगे। पूजनीय महंत श्री आदित्यनाथ जी का हृदय से अभिनंदन, ये तोगड़िया जी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी को। अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा, हमें आशा और विश्वास है कि अपने महान गुरु परम पूजनीय महंत श्री अवैधनाथ जी के सपनों का भारत, जिसमें हिंदू हमेशा सुरक्षित और समृद्ध हो, बनाने में अब मुख्यमंत्री महंत आदित्यनाथ जी लग जाएंगे। हम उनके साथ थे ही, आगे भी रहेंगे। शुभकामनाएं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव जी मौर्य का भी अभिनंदन। विजय शंकर तिवारी जी, ये इसको डिकोड करने की जरूरत है या जो लिखा गया है काफी सीधा साधा है? हमारे नेता ने जो बात कही है बहुत स्पष्ट शब्दों में और बहुत सीधे साधे शब्दों में बात कही है, आम जन को ये समझ में आने वाली बात है। इसमें एक लाइन हमें ये लग रहा है जिसमें हिंदू हमेशा सुरक्षित और समृद्ध हो, बनाने में मुख्यमंत्री महंत आदित्यनाथ जी लग जाए। उत्तर प्रदेश की परिस्थिति से वाजपेयी जी आप सुपरिचित हैं, पिछले 5 सालों में हिंदू कितना प्रताड़ित रहा है ये आपकी नज़र में है, तो वो बात कहना कहीं समीचीन है ये बात? तो मुझे लगता है उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से पूरा कहा है और स्पष्ट कहा है, उसको डिकोडेड है, ऑलरेडी डिकोडेड है। डिकोडेड नहीं, ठीक है जी, ठीक है। उर्मिला जी, हमको लगता है ये प्रवीण तोगड़िया वाले हिस्से को ज्यादा छोड़ दें, इससे आगे निकलें। ये जो पूरी कैबिनेट है, इस कैबिनेट का रंग देखकर आपको क्या लग रहा है? नहीं देखिए, इस बात के लिए मैं पहले भी कह रहा था कि तारीफ करनी होगी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की। हाँ। कि मैं कांग्रेस के ज़माने की बात करूं, जिसको बाद में तोड़ा था जो पिछड़ावादी या दलितवादी शक्तियों ने, क्योंकि उन्होंने तो उनका तो कंपोजिशन ही अलग था, लेकिन कांग्रेस में ये कल्चर नहीं थी कि इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग, इतने सारे विविधता लाना। इसमें विविधता काफ़ी है, एक तो इसमें दल बदलुओं की भी संख्या बहुत है, जो महीने दर महीने या साल के बीच में आए हैं। मैं कुछ नाम गिना दूं जो मेरे भी इसमें कई मित्र हैं, अनेक लोग जिनको संसद में हम देखा करते थे, जो कभी बसपा में थे, कभी सपा में थे, कभी कांग्रेस में थे, ये सारे लोग इसमें नाम ना गिनाइए, नाम हम लोग लगातार नाम जानते ही हैं। अब इसके आगे की लेकिन इसमें एक काम और उन्होंने किया है कि जाति और सामुदायिक जो स्तर पर उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया है, खासकर दलित पिछड़ी जातियों का। ये बात सही है कि दलित पिछड़ों में जितना कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था शायद उतना नहीं है। हम टू द पॉइंट अब आना चाहते हैं। जी, क्या जो छवि है योगी आदित्यनाथ की इस मंत्रिमंडल को देखने के बाद वो छवि टूटती हुई सी दिखती है या टूटेगी? नहीं देखिए, ऐसा है कि सियासत में राजनीति का एक बहुत ही खूबसूरत मुहावरा है जिसको बीजेपी से बेहतर कोई पार्टी नहीं जानती, कि आप अपने एजेंडे को बरकरार रखते हुए आप दिखाने के लिए विविधता कायम कीजिए, तो वो इसमें है। देखिए, हिंदू राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये जो बड़े सिंबल्स हैं और बड़े जो एजेंडे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मातृ संगठन RSS के, वो आदित्यनाथ जी उसको सिंबलाइज करते हैं। 1949 से लेकर हम उधर नहीं जाएंगे, अभी पहले यहां पर आएंगे। अगर ये दिखाने के लिए है ये सोशल इंजीनियरिंग जो मंत्रिमंडल की है जिसका जिक्र हो रहा है, लेकिन जो आपको करना है वो करना है, वो क्या चीज करनी है? देखिए, ऐसा है कि जो बीज मन में होता है, हम जन दर्शकों को एक चीज दिखा रहे हैं, चूंकि ये मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर है, उन्हें ये देख लेनी चाहिए। ये तस्वीर बड़ी भव्य लग रही है, जिस लिहाज से अब यहीं पर योगी आदित्यनाथ रहेंगे, यानी एक लंबा दौर जो उन्होंने मंदिर में गुजारा गोरखपुर में, और वहां से निकलकर अब मुख्यमंत्री आवास पे यहां पर लिख दिया गया है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, ये आपके सामने है। तो ये एक नई स्थिति है। और योगी आदित्यनाथ के बारे में एक चीज जानकारी दे दें कि सुबह 3:30 बजे उठने के बाद, जब तक गोरखपुर में ये है कि आप उनके दरवाजे पर जाए, उनका वक्त एक निर्धारित है जो जनता से मिलते हैं, यहाँ पर वो जनता दरबार कैसे किस रूप में लगेगा इसका भी इंतजार है, क्योंकि जानकारी यह भी है कि वह जनता से मिलने की प्रक्रिया को छोड़ेंगे नहीं, और वो हफ्ते में एक दिन होगा, हर दिन कुछ घंटे होगा, महीने में एक दिन निर्धारित होगा, ये भी ऐलान जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो कि आदित्यनाथ योगी, अब ये नाम आ गया है, योगी आदित्यनाथ हम लोग कहते हैं, तो आदित्यनाथ योगी ये नाम हो गया है। वैसे हम बता दें कि जो ये सोचते हैं, ये इनका पॉलिटिकल है ना, ऐसे नाम आइएगा तो इनके तमाम डिग्री जो इन्होंने मिली है, जो इन्होंने पढ़ाई MA तक की है, उसमें अजय सिंह बिस्ट लिखा हुआ है, तो ये पॉलिटिकल पहचान के साथ, नाम के साथ
अब आगे की राजनीतिक शुरुआत योगी आदित्यनाथ जी करने वाले। हाँ नलिनी जी, देखिए योगी अब, जी ये अब जो आप पूछ रहे थे, भाजपा का नाम ले लीजिए, योगी जी का नाम ले लीजिए, जो मन में बीज एक पड़ा हुआ है, उस बीज को अगर आप कहें कि इन्होंने फेंक दिया है, उखाड़ फेंका है, और जो अभी आप विविधता की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसको बरकरार रखते हुए उसका पोषण करेंगे उस बीज का, वो अंदर खाने उनको है वो। बीज आप शब्द क्यों, आप क्यों संकेत के, आप सीधे बताइए ना, मैंने क्या आपको लगता है? देखिए उनको ये है कि जो हिंदू, मैं आपसे बताऊं, ये धर्म जाति राष्ट्रवाद बोल्ड चीजें करना, जैसे कि नोटबंदी और मूल सुविधाएं, ये जो बीज पड़े हुए हैं इन सबके दिलों में, अगर हम ये कहें कि ये गवर्नेंस के तौर पर अगर सफल हो गए तो उसके बाद मैसेज ये जाएगा कि ये आप क्यों सोच रहे थे भगवादारी हिंदूधारी, नहीं भगवादारी क्या, हम उसको नहीं मानेंगे, मंदिर नहीं मानेंगे। क्या कोई इंसान जो कि हिंदू धर्म को मानता है या अपना चुका है, क्या वो सफल नहीं हो सकता? उस छवि को तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? वो छवि को नहीं तोड़ेंगे। क्या आपका लगता है पुण्य? मेरे पहले ये जो सोशल इंजीनियरिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके का कि के सदस्य चुनकर आए, अब देखिए इसमें 17 ओबीसी हैं पूरे कैबिनेट में, 6 शेड्यूल कास्ट हैं, 7 ठाकुर हैं, 8 ब्राह्मण हैं, 8 कायस्थ हैं, कायस्थ वैश्य हैं, 2 जाट हैं और 1 मुस्लिम है। तो जो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी, जिस रणनीति के सहारे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, वो पूरी की पूरी रणनीति इस पूरे कैबिनेट में उतार दी गई। और मुझे एक चीज, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो जिक्र हो रहा तो खत्म हो गया वो, लेकिन तो एक नया गुलदस्ता बता रहे हैं, गुलदस्ता है। और क्योंकि उसमें दिखाई देता है कि ये कैबिनेट इतनी जल्दी नहीं बन सकती, इसकी तैयारी पहले से की गई। हम इस पर चर्चा करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे, ये बताते हुए करेंगे कि प्रधानमंत्री दिल्ली रवाना हो चले हैं, मुख्यमंत्री की पार्टी के लिए जा चुके हैं, और इन सब के बीच हम पहले सीधे चलते हैं सीएम हाउस शिवेंद्र। शिवेंद्र क्या देख पा रहे हैं, क्या स्थिति है हर्षोल्लास के बाद की परिस्थितियां, शपथ ग्रहण के बाद की स्थिति? शिवेंद्र देखिए प्रसून, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण के बाद काफिला चल चुका है, और यहाँ लोकनायक भवन में आने के बाद इसमें बने हुए दफ्तर में फॉर्मली वो ज्वाइन करेंगे ऑफिस को, और उसके बाद जो कैबिनेट के कुलीग हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनके साथ चाय पियेंगे। पहले कहा जा रहा था कि कैबिनेट की एक मीटिंग होगी जिसमें तमाम फैसले हो सकते हैं, लेकिन वो फिलहाल कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो रही है, और वो इनफॉर्मली अपने साथियों से मुलाकात करेंगे और आगे की चर्चा करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन वहाँ मीडिया को जाने का इजाज़त नहीं है, और वहाँ पर जब ज्वाइन करने के बाद 5 बजे ठीक यहाँ पर से मुखातिब होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताएंगे कि उनकी सरकार की प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं और किस तरह से उनको अंजाम दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो उसमें तमाम सवालों के उन जवाब दिए जाएंगे कि जिन जिन मुद्दों पर सरकार बनी है, जिन जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी सरकार आगे बढ़ने की बात कर रही थी, उन पर उनका रुख क्या होगा और प्रायोरिटीज क्या होंगी, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर के हो, चाहे किसानों के कर्ज माफी को लेकर के हो, चाहे वो स्लॉटर हाउस बंद कराने की बात हो, चाहे वो जो रोमियो पर रोकथाम करने के लिए जो पूरी टीम बनाए जाने की बात थी, तो इन सब सवालों के जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल काफिला योगी आदित्यनाथ का अपने कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स के साथ वहां से चल चुका है शपथ ग्रहण समारोह से, और यहां पर आने के बाद वो ऑफिस बकायदा ज्वाइन करेंगे और लोगों से बातचीत करने के बाद, साथियों से बातचीत करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे। चलिए वहां जैसे ही पहुंचते हम आपके पास आएंगे। मौसमी वहां लोग मन में, आप वहां पर हैं, वहां पर क्या स्थिति है मौसमी? जी प्रसून, आपको बता दें कि हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आपको थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ का काफिला और बाकी जो 22 कैबिनेट मंत्री हैं उनका भी काफिला नजर आएगा। आला अधिकारियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बहरहाल तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे हमने जब बात की तो लगातार प्रसून ये बात हो रही थी कि कट्टर छवि के योगी नहीं है। यही बात बार बार नितिन गडकरी से लेके वेंकैया नायडू से लेके महेश शर्मा से लेके सब ने दोहराई। अजब बात है कि जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो उनकी हार्ड हिंदुत्व छवि को लेकर बीजेपी जो है ताल ठोकती थी, और आज जब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं तो बीजेपी को ये रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ चिंता ये भी है प्रसून कि किस तरह से 20% जो आबादी है मुसलमानों की, उसको कैसे वो सांत्वना देंगे, कैसे सबका साथ सबका विकास करेंगे। योगी हैं वो तो कुल मिला के ये विचार विमर्श जो है सत्ता के गलियारों में चल रहा है। नए नए अधिकारी आए हैं, लोक भवन बहुत भव्य बिल्डिंग है प्रसून ये, और यहाँ पे आके हम भी चकित हो गए, काफी इंप्रेसिव बिल्डिंग है, और इसमें तमाम आला अधिकारियों के आने का सिलसिला जो है। अरे लखनऊ तो वाजिद अली शाह के दौर से याद कीजिए, उसकी एक अपनी भव्यता रही है। लेकिन
हम एक जानकारी दे दें खाली कि हमको लगता है यह जानकारी आपके पास रहनी चाहिए और दर्शकों के लिए भी, जिसका अंशुमन ने जिक्र कर दिया है कि इस कैबिनेट को बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग के गुलदस्ते के तौर पर बनाया गया है। इसमें 17 ओबीसी हैं, 6 दलित हैं, 7 ठाकुर हैं, 8 ब्राह्मण हैं, 8 कायस्थ और वैश्य समाज से जुड़े लोग हैं, 2 जाट हैं और 1 मुस्लिम भी है।